Assalamu alaikum, this is Mukhtar Ahmad with the Virtual University Course of Human Resource Management and we are here today with our lecture number 41. I believe you must be ready now because as I mentioned during previous lecture, there will be starting our review part. So, next three lectures will be focusing on the basic functions of HRM and what I will try I will try to review it, so that it should be more easy for you. So, let us start our today's session that is our lecture number 41. What I will do basically here, I am not going to go for basic management or OB part, I will directly focus on HR part and with I will start with the basic five function of HRM. And then I will go one by one to review all those topics. But as usual, we have to first go back and see the previous lecture. What topic did we cover during that lecture? That was lecture number 40. And that was about leadership. And you remember why I said that, when I said that, why we picked this topic leadership. Because the trend is changing, now people are, the organization are going more toward leadership, a leader rather than the managers. Because they want innovation, they want creativity, and they are expecting more than a normal manager is performing. That is why we included leadership in our discussion. What is the definition? Of तीन चार डिफरेंट डेफिनेशन आपके साथ शेयर की लेकिन एक सिंपल फॉर्म में द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग एन ऑर्गेनाइज ग्रुप टुवर्ड इट्स गोल एंड देन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लीडर्स एंड मैनेजर अभी आपको तो कन्विंस होना चाहिए आपको तो इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि यू कैन डिफ्रेंशिएट ए लीडर फ्रॉम ए मैनेजर क्या बेसिस हैं उनकी आपस में डिफ्रेंसिएशन की मैनेजर क्या करते हैं दे मेंटेन वट अबाउट द लीडर्स दे डू मैनेजर दे रेप्ट स्टेटस को द लीडर दे चैलेंज इट दे क्रिएट डिफरेंट थिंग्स दे इनोवेट वेट वाइल मैनेजर एडमिनिस्टर तो ये बेसिक डिफरेंस हमने स्कस की ड्यूरिंग अवर प्रीवियस लेक्चर एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड द सोर्सेस ऑफ लीडर्स पावर अफकोर्स पावर का जब हम लेक्चर हमने डिस्कस किया तो उसमें भी हमने सोर्सेस बताए थे इसी तरह यहां भी कुछ चीजें हमने डिस्कस की ताकि ये समझ आ सके कि लीडर कैसे बनते हैं कहां से वो वो जो पावर है उनके पास वो जो इंफ्लुसिंग इफेक्ट वो क्रिएट करते हैं वो कहां से जनरेट होती है एंड हमने उस पर मुख्तफ थ्योरीज भी देखी ट्रेड थ्यूरीज और बिहेवियर थ्योरीज को डिस्कस किया और फिर ये भी देखा कि येस ऑफकोर्स फ्यू पीपल कम विद गॉड गिफ्टेड ट्रेड्स बट स्टिल विद हार्ड वर्क विद द लर्निंग विद द डेडिकेशन यू कैन ऑल्सो बिकम अ लीडर ऑफ योर फील्ड योर सब्जेक्ट एरिया वट एवर जॉब यूर डूइंग वट एवर सब्जेक्ट यू आर स्टडिंग And let's start today's topics. Again, one topic about our subject, HRM, still uh, pending, and the, I'll bring that topic in lecture number 44. That is, the HR activities in international business. Uskom, mm. uh, 44th lecture jo hoga. Hoga. usme discuss karenge. 41, 42 and 43, I've dedicated them for the review part. I was thinking just finish it in one lecture, but

ट माई नेक्स्ट थ्री लेक्चर शुड बी फोकसिंग ऑन दीज फाइव बेसिक कॉम्पोनेंट्स ताकि एच आर जो हमारा बेसिक अब जो सब्जेक्ट है इसके बारे में यू शुड बी मोर क्लियर तो कहां से शुरू करें यस लेट्स स्टार्ट विद द स्टाफिंग पार्ट उससे पहले की जो एक्टिविटी थी मैनेजमेंट थी ओ बी थी देर जस्ट टू गिव यू द बेसिस एक्चुअली स्टार्ट विदाफिंग और स्टाफिंग कहां से शुरू होती है स्टाफिंग में बेसिकली क्या होता है रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट इसमें बहुत सारे उसके स्टेप्स आ जाते हैं रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड सो मेनी अदर थिंग्स लेकिन मेन फोकस ऑफ दिस कॉम्पोनेंट इज रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट एंड दिस रिक्रूटमेंट स्टार्ट विद दी आर प्लानिंग यू नो प्लानिंग्स आर वेरी एसेंशियल और आपको भी मैंने एक प्रोजेक्ट दिया हुआ याद है वो क्या चीज थी i advise you to prepare your next five to ten year plans and save it somewhere at your computer and once in a while go back and see it and see what you have planned during previous year or last year or what, whatever time has passed now where you are standing you have motivation sa focus but इसका मतलब यह नहीं है कि जो आपने एक दो प्लान कर लिया यू विल जस्ट स्टिक विथ दैट नो यू शुड बी रेडी फॉर चेंज बिकॉज वी हैव टू चेंज एज द एनवायरमेंट चेंज सो फॉर दैट रीजन उस प्लानिंग को जो आपने बनाया अपने लिए उस प्लान को जरूर देखिए और उससे मोटिवेशन लेते जाइए रिमेंबर वन थिंग आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दो इन डेप्थ बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दम We'll quickly go through them and I'll be expecting from you that you will be discussing with me too. So, what is human resource planning? The systematic review of human resource requirements. It is the approach where you want to see what is demand for next for your human resource. कितने एम्प्लाई और चाहिए या अगर ज्यादा है तो क्या करना है सो बिफोर वी स्टार्ट द रिक्रूटमेंट वी शुड प्लान इट एंड वी कॉल इट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एच आर प्लानिंग के बारे में एचआरपी भी उसे कहते हैं द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एंप्लाइज कितने हैं आपके पास कौन सी स्किल चाहिए विद द रिक्वायर्ड स्किल्स एंड कहां से मिल सकती हैं जब जरूरत हो आपको सो दैट इज योर एच आर प्लानिंग three part the required number of employees the kind of skills you are looking for and from where you will be getting that or is planning may forecasting is also included and what you forecast basically you are seeing the gap in hr needs let's see your for forecasting for the next year your forecasting for the next five year र यू आर फोरकास्टिंग फॉर द नेक्स्ट रीजन इवन सो यू हैव टू सी हाउ मैनी यू आर रिक्वायर्ड ए हाउ मेनी डू यू हैव इन यूर ऑर्गेनाइजेशन एंड रिमेंबर दिज आर नॉट द बेसिक ओनली नंबर द स्किल रिक्वायरमेंट सो उसमें जो डिफरेंस है दैट इज योर गैप एनालिसिस जिसे कहते हैं हम और इसके बेस पर आपके आगे सारे स्टेप्स चलेंगे रिक्रूटमेंट वाले सिलेक्शन वाले और बाकी चीजें एंड मैन वी टॉकिंग अबाउट डिमांड फोरकास्टिंग तो वी डिस्कस दैट यू कैन यूज डिफरेंट अप्रोचेस वन इज अ स्टेटिस्टिकल अदर एनदर वन इज अ जजमेंटल मेथड्स। और फिर स्टेटिस्टिकल में भी याद होगा आपको हमने तीन डिफरेंट अप्रोचेस देखे डिफरेंट मैथड्स देखे ट्रेंड एनालिसिस Ratio analysis and regression analysis. Again, as I said, I do not want to go back and again discuss all those detailed things, but I am expecting that you know those things. Similarly, judgmental methods, right? managerial judgments with experience, people can judge what is going to happen, how much they will be needing for the next session, for the next semester, for the next. सीजन फॉर द नेक्स्ट ईयर इवन फॉर द नेक्स्ट फाइव ईयर इसको एच आर भी बोलते हैं होता क्या है कि यू फोर कास्ट द लेबर सप्लाई एंड यू आल्सो फोर कास्ट द लेबर डिमांड सेम टाइम और फिर जरूरी नहीं है कि सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड इट कैन बी इट काट बी अगर तो सप्लाई ज्यादा है डिमांड से सो इट मीन यू हैव द सर्पलस ह्यूमन रिसोर्सिस विद यू दरप सरप्लस वर्क फोर्स विद यू सो व्हाट विल बी ऑप्शन ले ऑफ ट्रांसफर्स मे बी डिमोशंस बट अगेन इनके कॉन्सिक्वेंसेस तो हमने सेपरेशन में डिस्कस किए थे लॉयल्टी गुडविल आपकी ऑर्गेनाइजेशन की बट अगेन सर्वाइवल भी देखनी है आपने तो यू हैट ए बैलेंस लेट सी अगर डिमांड ज्यादा है शॉर्ट सप्लाई से हैव द शॉर्टेज फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज द वर्क फॉर शॉर्ट सो वट ऑप्शन डू यू गो फॉर रिक्रूटमेंट और यू कैन ऑल्सो ट्रेन योर पीपल जो हो सकता है किसी खास हाँ स्टेज पे आपको डेफिशिएंसी है तो नीचे जो लोग बैठे हैं उनको ट्रेन करके उस जगह ले आई और कैरियर डेवलपमेंट पाथ भी आप बनाते हैं ताकि ये सारा सिस्टम चलता रहे कारेक्ट देसो डिस्कस अबाउट एच IIS human resource Information System. And you must be familiar with the MIS management information system, in it? it consists of people, equipments, informations where they gather the information, interpret them, use them, and disseminate them to the people who make the decision and the other manager. इंफॉर्मेशन तो सिस्टम कि वो सारे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं उनको एनालाइज करते हैं इसमें इक्विपमेंट भी शामिल है आपके कंप्यूटर्स हो सकते हैं इसमें आपका डाटा हो सकता है लोग होते हैं काम कार्य होते हैं और फिर वो इंफॉर्मेशन उस फॉर्म में जिसमें मैनेजर को चाहिए होती है वो उसे रिट्रीव करके फिर उस बेस पर वो डिस हैं तो दैट इज अबाउट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम वट वॉट अबाउट ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम द सेम थिंग When it has to do with the human resource part, we will call it the human resource information system. So, then what is this HR information system? The system used to acquire, store, manipulate, analyze, retrieve, and distribute information regarding an organization's HR, human resources. So, the human resource information system? लेट्स सी किस तरह आप इंफॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं किस तरह आपको फायदा मिलता है कि आपने किसी की इंप्लाय के बारे में डेटा रिट्रीव करना है तो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास उस इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर मौजूद है जैसे इस एग्जाम्पल में था कि कामरान तैयब द पर्सन नेम इज इज डेट ऑफ बर्थ इज देयर इज जॉब इज देयर क्वालिफिकेशन उसकी एजुकेशन वहां पे है, पर है परफॉर्मेंस कैसी कर रहा है वो भी मौजूद है उसकी सैलरी कितनी है और किस एरिया में उसके पास स्किल्स हैं एबिलिटीज हैं ये सारी चीजें मैंशन है नाउ इफ यू हैव ह्यूज बुक्स हाउ कैन यू रिटीव थिंग्स नाउ विद दिस न्यू टेक्नोलॉजी द कंप्यूटर एंड आई टी इट इज सो कन्वीनियंस दैट ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनाइजेशन दे आर यूजिंग दिस दिस टूल फॉर देयर इंफॉर्मेशन सिस्टम इसके फंक्शन क्या होते हैं बहुत सारे आपके साथ डिस्कस किए थे आई डोंट वॉन्ट टू गो इन डिटेल जस्ट क्विकली गो थ्रू दैम जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन भी यहां प्लेस की जा सकती है द प्रोग्राम कैन राइट जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन ये क्या चीजें आगे आती हैं अभी और कांस्टेंट मॉनिटरिंग भी हो रही होती है इसके जरिए रिकॉर्ड वो जो इवन वो एप्लीकेशन जो आप रिजेक्ट कर चुके होते हैं अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर वो भी आपके पास मौजूद होती हैं कि मे बी इन फ्यूचर यू माइट बी नीडिंग दैम सिमिलरली रिपोर्ट जनरेशन इस पे बड़ी एफिशेंटली हो सकती है सिस्टम के जरिए Which can save you a lot of money and time. Similarly, you can track the monitoring things, the hiring, the recruitment, advancement, all those processes. It can also help you to forecast the future supply or demand. It is also, it can also help you to when you are talking, when you are discussing, when you are thinking about the internal recruitment, you can have the ready made data available with you. You can post ओपनिंग ऑन दिस सिस्टम एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू वॉन्ट टू डिस्कमिनेट अमंग योर एम्प्लॉज यू दिस सिस्टम कैन हेल्प यू तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो इसके फंक्शन से हमने डिस्कस किए लेट्स डोट गो इन दोज डिटेल्स आई बिलीव यू नो दैम ठीक है सिमिलरली इसके जरिए आप ट्रेनिंग भी करा सकते हैं और परफॉर्मेंस अप्रेजल की जो है इसके ऊपर आप उसको जो भी इंस्ट्रूमेंट आपने यूज किया जो भी टूल आपने यूज किया उसके जरिए इसको एनालाइज करके यू कैन सी द ट्रेंड्स और दिस विल बी आल्सो गुड फॉर यू टू गो फॉर द फ्यूचर कंपनसेशन और फ्यूचर ट्रेनिंग नीड एंड ऑल दो एच आर डिपार्टमेंट इज ड्रोइंग ये सारी चीजें हमने ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर डिस्कस की ठीक है इसके अलावा आप एक्शन जो आप लेते हैं उसको ट्रैक भी रख सकते हैं किसी ने कंप्लेन की है उसका रिकॉर्ड भी रख सकते हैं कंट्रैक्ट डेटा भी होता है आपके पास कब कंट्रैक्ट खत्म हो रहा है कब इसको रिन्यू करना है आपने और सीनियरिटी लिस्ट वगैरह अगर कहीं उसकी जरूरत होती है तो यू कैन आल्सो मेंटेन विद दिस थिंग सो दिस इज वेरी गुड यूजफुल सिस्टम फॉर ह्यूमन रिसोर्स ठीक है उसके बाद वी स्टार्टेड विद द प्लेनिंग और उसमें थोड़ा सा एचआर का पार्ट एचआर ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का थोड़ा सा उसकी इफ़ादत आपको बताई थी एंड देन वी मूव टू जॉब एनालिसिस वट इज जॉब एनालिस दिस इज अ बेसिक ह्यूमन रिसोर्स टूल और इस एनालिसिस में क्या करते हैं इसमें हम देखते हैं कि यू हैव टू आइडेंटिफाई टास्क ड्यूटीज एंड विच आर बींग परफॉर्म उसके अलावा यू हैव टू आइडेंटिफाई नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दोस्क बिफोर यू आफर एनी जॉब बिफोर यू गो फॉर रिक्रूटमेंट यू हैव टू परफॉर्म द जॉब एनालिसिस सो दैट शुड बी श्योर अबाउट जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन टू क्रिएट ए बेस्ट फिट दट ऑर्गनाइशन इज नीडिंग एंड वट काइंड ऑफ स्किल्स एबिलिटीज द पर्सन हैज इसको कहा यूज करते हैं हम सो मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ एच आर रिक्रूटमेंट में आपको हेल्प करती है सिलेक्शन में आपको हेल्प करती है एच आर डिवेलपमेंट में आपको हेल्प करती है परफॉर्मेंस रिप्रेजल में आपको हेल्प करती है बिकॉज यू आर सेटिंग द रूल ऑफ द गेम के किस तरह आपने चलना है क्या क्या होना चाहिए वेन यू बेस इज क्लियर देन ऑल दोज एक्टिविटीज विल बी जनरे जनरेटिंग बेस ऑन दिस इज गोइंग टू हैव द डायरेक्ट यूज ऑफ दिस जॉब अनालिसिस उसके अलावा एच आर प्लानिंग है इवन एच आर रिसर्च है इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है ये सारी चीजें आप इन सब एक्टिविटीज में आपको आपका जॉब अनालिसिस जो है आपको हेल्प करता है

फिर उन उस उस इंफॉर्मेशन को रिव्यू करेंगे जिसके लिए जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिस जॉब के लिए या जिस डिपार्टमेंट के, के लिए वो जॉब क्रिएट कर रहे हैं आप एंड देन यू विल डिवेल्प जॉब डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशन डू स्टिल रिकॉल वॉट आर द मैथड वी डिस्कस इन जॉब एनालिसिस आपको कहा था ना रिव्यू करके आई अगर की होती तो इस वक्त तो आप मुझसे जल्दी बोलते ना कौन से मैथडे क्वेश्चन वन

उसको ऑब्जर्व करके भी आप देख सकते हो डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ जॉब वेट आखेंगे अबाउट और कहां से आपको डाटा मिलता है ये सारी इंफॉर्मेशन कहां से आपको मिल सकती है एम्प्लॉय से जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके सुपरवाइजर से मैनेजर के पास भी होता है रिकॉर्ड एंड इवन जॉब एनालिस्ट पीपल हु परफॉर्म जॉब एनालिसिस थिंग्स दे ऑल्सो हैव दो इंफॉर्मेशन

थर्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट जॉब वैल्युएशन ले सी वट आर दोज थिंग्स यू नो वट इज जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब डिस्क्रिप्शन में यह बताया जाता है कि उसने क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करने हैं द पर्सन हु विल बी होल्डिंग दिस जॉब ही आर शी हेज टू परफॉर्म सच एंड सच फंक्शन फिर उसका टाइटल क्या होगा किसको ये रिस्पॉन्सिबल है और इसके नीचे कितने कौन लोग होंगे दीज टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर इंक्लूडेड इन दी जॉब डिस्क्रिप्शन तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या हुआ जिसमें यू कैन हैव द जॉब टाइटल जॉब आइडेंटिफिकेशन और इसेंशियल फंक्शन क्या होते हैं और देन इसमें यह भी शामिल होता है कि किसको रिस्पॉन्सिबल होगा और इसी के अंदर जैसे मैंने आपसे कहा कि जॉब स्पेसिफिकेशन भी शामिल होती हैं सो वट आर द जॉब स्पेसिफिकेशन जॉब स्पेसिफिकेशन बेसिकली कि उसके अंदर क्या स्किल्स क्या एबिलिटी होनी चाहिए जो ये जॉब परफॉर्म करेगा उसमें क्या शामिल हो सकता है मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए एजुकेशन रिक्वायरमेंट इफ दे आर एनी एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए इफ दे आर सर्टन पर्सनैलिटी ट्रेड रिक्वायर दे फिजिकल एबिलिटीज एंड सो ऑन सो जॉब दोबारा देख लेते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी है कितनी एजुकेशन होनी चाहिए कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए सम स्पेसिफिक स्किल्स आर रिक्वायर्ड दीज आर रिक्वायर्ड दीज आर इंक्लूडेड इन दैट पार्ट एंड अबाउट जॉब वैल्यूएशन जैसे कि नाम से जाहिर है यू अवैल्युएट द जॉब फॉर वट पर्पज टू कंपनसेट इट उसकी वर्थ मालूम करते हो कि उस जॉब की क्या वैल्यू है सो इट्स एस्टैब्लिश जॉब कंपेरिटेबिलिटी कंपनसेशन रिलेटिव वैल्यूज देखने के लिए हम जॉब अवेल्यूएशन करते हैं पॉइंट ऑफ जॉब एनालिसिस नाउ वन यू हैव डन द जॉब एनालिसिस द नेक्स्ट लॉजिकल पार्ट वॉज टू स्टार्ट द हायरिंग प्रोसेस सो वट वॉज द हायरिंग प्रोसेस अगेन दिस वॉज थ्री स्टेज प्रोसेस एंड व्हाट आर दो थ्री स्टेज द रिक्रूटमेंट दिलेक्शन एंड सोशलाइजेशन पार्ट आर द प्लेसमेंट पार्ट क्लियर रिक्रूटमेंट किसे कहते हैं द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग ए पूल ऑफ कैंडिडेट वेयर यू आर अट्रैक्टिंग पीपल टू वट यूर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रिक्रूटमेंट कभी कभी जैसे मैंने उस वक्त भी बताया था कि हम रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन को मिक्स कर देते हैं ये सिलेक्शन से पहले होता है कि वेयर यू अट्रैक्ट पीपल कि दे शुड अप्लाई फॉर योर योर ऑर्गेनाइजेशन दे शुड शो देयर इंटरेस्ट दैट यू वांट टू जॉइन योर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज द रिक्रूटमेंट पार्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू डिवेलप ए पूल ऑफ द कैंडिडेट

वहां पर उसको किस तरह एक्लमेटाइज करते हैं आप कि दे शुड फील कंफर्टेबल देर तो थ्री स्टेज थ्री स्टेप प्रोसेस ऑफ हायरिंग द रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड द सोशलाइजेशन पार्ट थोड़ा सा रिक्रूटमेंट को दोबारा देखते हैं बिकॉज सिंस वी आर डूइंग इट सो थिंग शुड बी क्लियर गोल क्या होता है रिक्रूटमेंट का टू गोल्स वन टू अट्रैक्ट पोटेंशियल कैंडिडेट कम्युनिकेट करते हैं उनके साथ द मोर द बेटर वो कैंडिडेट जो क्वालिफाई करते हैं जो मैच करते हैं आपकी रिक्वायरमेंट को दे शुड अप्लाई दिस इज वन ऑब्जेक्टिव वन फंक्शन ऑफ योर रिक्रूटमेंट लेकिन साथ ही उसका दूसरा फंक्शन भी होता है वो क्या है कि यू वॉन्ट टू डिस्करेज दोस्ट हु डोंट क्वालिफाई कि वो अप्लाई ना करें आपकी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी होती चाहिए जो उसका टूल यूज करें इतना क्लियर हो ट टू वेस्ट योर टाइम और अदर पीपल वाइम यू आर रिस थाउजेंड एंड थाउजेंड का एप्लीकेशन सर इट विल डिफिकल्टू हैव टू यूज लॉट ऑफ रिसोर्सेज टू सेग्रीगेट दोच आर क्वालिफाइंग एंड विच आर नॉट क्वालिफाइंग आपका तो रिक्रूटमेंट के कौन से गोल हुए फिर आपके दो गोल्स अट्रैक्ट पोटेंशियल कैंडिडेट द क्वालिफाइड पीपल द मोर द बेटर एंड डिस्करेज दैम हु डोंट क्वालिफाई लेस द बेटर क्योंकि इसमें आपका पैसा रिसोर्सिस टाइम सेव हो रहा है और उनका भी जिनकी जो क्वालिफाई नहीं करते देआर ऑल्सो वेस्टिंग देयर टाइम सो यूर रिक्रूटमेंट स्ट्रेटेजी शुड बी वेरी एफिशियंट वेरी इफेक्टिव टू फुलफिल दो गोल्स ठीक है जी आगे चलते हैं सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट भी हमने डिस्कस किए कौन कौन से थे इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज वट अबाउट द इंटरनल सोर्सेज ये कैसे होते हैं यू कैन हैव द प्रमोशन यू कैन हैव द ट्रांसफर्स जॉब पोस्टिंग्स टैलेंट इन्वेंट्रीज वो जो आपका ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम हमने डिस्कस किया वो इन्वेंट्री खुद बहुत आपको बताती है कि इन इस जॉब के लिए कौन मैच कर रहा है इफ इट इज आर द हाई लेवल अफकोर्स नो बॉडी वी वॉन्ट टू गो तो डिमोशन आ लोअर लेवल तो इंटरनल सोर्स भी आपका है इसके हमने फायदे भी देखे थे नुकसानात भी डिस्कस किए थे अपने एम्प्लाइज की इंकरेजमेंट है बट अगेन नुकसान यह है कि इन ब्रीडिंग है आपकी यू माइट बी लूजिंग दोस्ट टैलेंटेड पीपल हु आर इन द मार्केट सो इट इज ट्रेड ऑफ बट यू हैव टू डिसाइड एज ए मैनेजर विच वॉन्ट विच इज द प्रायोरिटी बेसिकली सिमिलरली एक्सटर्नल सोर्सेज में भी ढेर सारी हमने सोर्सेज को डिस्कस किया स्कूल प्लेसमेंट होते हैं मुख्तलिफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है दे हैव द प्लेसमेंट सेंटर दे कैन हेल्प यू ट्रेड एसोसिएशन है फॉरन uh, जो नेशन है एक्विजिशन मर्जर इज अनदर वे वॉक इन एप्लीकेंट्स ट्रेडिशनल मीडिया एम्प्लाइज रेफर एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज इंटरनेट अखबार में एड्स देते हैं आप आजकल तो इंटरनेट पर भी एड आ रही हैं तो ये एक्सटर्नल सोर्सेज हैं इसके भी फायदे और नुकसान हमने डिस्कस किए थे

तो फिर आपके पास कोई अल्टरनेटिव सोर्स भी होने चाहिए वो क्या है यू कैन गो फॉर लीजिंग आउटसोर्सिंग भी कर सकते हैं ओवर टाइम भी आप ऑफर कर सकते हैं अपने एग्जिस्टेंस वर्कर को पार्ट टाइम वर्कर हायर कर सकते हैं या जिसको टेम्परेरी वर्कर्स भी कहते हैं दीज आर द दल्टरनेटिव ऑफ द रिक्रूटमेंट बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू हैव द कमिटमेंट फॉर द लॉन्ग टाइम द हायरिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ लाइबिलिटीज फॉर यू वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन टू सिचुएशन विच ऑप्शन यू वॉन्ट टू गो और वट इज अवेलेबल इन द मार्केट देन आफ्टर रिक्रूटमेंट विस डिस्कस अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस सिलेक्शन क्या है जैसे ये पूछ रहा है उससे कि विल आई गेट ए जॉब सो वट इज द क्राइटेरिया वट विल बी द मैथड बट फर्स्ट ऑफ ऑल वट इज द सिलेक्शन यही बताया था पिकिंग

एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ दर्गनाइजेशन अगर वो मैच अच्छा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा उस वर्कर के लिए भी अच्छा है अदरवाइज इट इज डेंजर फॉर बोथ ऑफ दैम इट इज द वेस्टेज फॉर बोथ ऑफ देम तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पिकिंग द राइट पर्सन फ्रॉम पूल ऑफ द कैंडिडेट विच यू हैव क्रिएटेड ड्यू टू यूर रिक्रूटमेंट प्रोसेस ठीक है जी रिक्रूटमेंट बात समझ आ गई नाउ वी आर मूविंग टू सिलेक्शन सिलेक्शन की डेफिनेशन आपको बताई और सिलेक्शन में हमने कुछ स्टेप्स भी डिस्कस किए थे और उसमें यह भी बताया था आपको इट वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन फ्यू ऑर्गेनाइजेशन में गो फॉर जस्ट फॉर्स इंटरव्यू एंड दे कैन सिलेक्ट आउट ऑफ इट अदर माइट गो फॉर द देंथ प्रोसेस बट लेट्स जो उसका बेसिक मॉडल है बेसिक स्टेप्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए कि द सिलेक्शन प्रोसेस वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन

यू कैन हैव द सेकेंड थाट यू कैन गो बैक रीच एक इट उसके लिए ये होता है और फिर उसमें से वो भी देखना होता है कि अगर कुछ नॉन जो मैच हैं उनको आइसोलेट किया जाए सेपरेट किया जाए तो यू गो विद इनिशियल स्क्रीनिंग एंड देन उसी बेस पे आप एप्लीकेशन बनाएंगे बनाते हो एक फार्मल डेटा बेस होता है एक फॉर्म की शक्ल होती है उसके मुकासद भी हमने डिस्कस किए थे इट्स काइंड ऑफ लीगल एग्रीमेंट साइन करके आपको देता है जो पोटेंशियल अप्लाई कर रहा है कि यस आई विलिंग टू वर्क इन यूर ऑर्गेप्ट रूल एंड रेगुलशन यूशन टू इंप्लीमेंट एंड दे आर ऑल्सोन गो बैक एंड चेक देर क्रीडेंशियर रेफरेंसन ब्लैंक हमने डिस्कस किया था एंड देन कुछ टेस्टिंग भी होती है कुछ ऑर्गेनाइजन दे गो फॉर द टेस्ट बट बेसिकलीशियल जॉब्स

पिक द बेस्ट आउट ऑफ दम फॉर द नेक्स्ट स्टेज एंड दैट इज द इंटरव्यू स्टेज इंटरव्यू में भी देखा था हमने कि वन परसेंट इंटरव्यू भी ले सकता है बोर्ड भी ले सकता है इंटरव्यू और उस इंटरव्यू में स्ट्रक्चर इंटरव्यू भी होते हैं अनस्ट्रक्चर्ड भी होते हैं और मिक्स इंटरव्यू भी होते हैं और इंटरव्यूज में क्या करना चाहिए डूज एंड डोंट्स इसको भी हमने डिस्कस किया था इफ यू स्टिल रिकॉर्ड बट द मेन ऑब्जेक्टिव इंटरव्यू वॉज टू लेट द अदर पर्सन स्पीक सो दैट यू शुड गेट मैक्सिमम आउट ऑफ इट इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट हेम आर हर वेन यू आर गोइंग थ्रू द सीवी आर बायोडेटा इसमें क्या डूज में और डोंट में क्या बताया था कि आप उसको ओपन एंड क्वेश्चन कीजिए डोंट आस दम द क्लोज एंड क्वेश्चन और वो फर्क भी बताया था ना ओपन एंड क्लोज में क्या फर्क होता है सिमिलरली डोन्ट डू ऑल द टॉकिंग गिव हेम आर हर चांस दे शुड स्पीक बिकॉज नॉन लेस दे वीक यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट तो ये तो इंटरव्यू का प्रोसेस था और जैसे मैंने आपसे कहा कि आप वन पर्सन कैन गो फॉर इंटरव्यू आर ए बोर्ड सिटिंग देयर विद डिट एक्सपर्टीज दे केन हैव द इंटरव्यूज और उसके बाद इंटरव्यू जब हो गया फिर क्या करना है ना यू गो व बैकग्राउंड चेक और जो रेफरस है उनको चेक कर किया जाता है या अगर उन्होंने लिखा हुआ अपने बायोडाटा में एक सीवी के अंदर कि परफॉर्म सच और सच तो वहां से चेक किया जाता है उनके बैकग्राउंड के बारे में organization जो हो सकता है वो बड़े डेफ्ट में जाते हैं इंटेलिजेंस उनकी रिपोर्ट मंगवाई जाती है पर फ्यू ऑर्गेनाइजेशन जस्ट चेक देयर प्रोफेशनल थिंग्स कि किस तरह का काम किया था बिहेवियर पार्ट कैसा था एंड वाई प्रीवियस लेफ्टीवियस

And then is the last thing is the selection decision. Now you basically finalize the selection, and the concern department will ask them to join them. So that is about selection. Then is the placement. So today, as I said in the beginning, we are doing the first. पोनेट ऑफ दर फंक्शन दैट इज द स्टाफिंग और स्टैफिंग में हमने रिक्रूटमेंट और प्लेसमेंट से शुरू किया कि यह दो बेसिक फंक्शन है स्टार्टिंग विद रिक्रूटमेंट टू प्लेसमेंट और रिक्रूटमेंट से पहले कोई भी स्टार्ट करने से पहले वी स्टार्टेड विद्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बिकॉज प्लानिंग इज एसेंशियल यू कैन डू हैज थिंग्स यू हैव टू प्लान Because you want to have all kind of resources available to you, and you want to be sure that whatever action you are taking, it has some reason, causes. That is why you are going for it. Or human resource planning. Me, then we have the HRIS, human resource information system. ka effect, role. Or then we move towards recruitment. Or we call it hiring process. Or hiring process. We have also दिस इज ए थ्री स्टेप प्रोसेस डेट इज रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ओरिएंटेशन या जिसको हम इस वक्त प्लेसमेंट भी कहते हैं क्योंकि ओरिएटेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग वो जो अगला स्टेज है अगला कंपोनेट उसमें भी दोबारा आएगा ये सो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड ओरिएंटेशन और रिक्रूटमेंट में क्या देखा हमने के यू डिवेल्प दूल ऑफ द कैंडिडेट्स

इंटरनल सोर्स एक्सटर्नल सोर्स को डिस्कस किया एंड देन दोनों के फ्रोज एंड कांग भी हमने पहले भी डिस्कस किए थे आज तो इतना डिस्कस नहीं किया बिकॉज आई नो दैट यू आर रेडी नो दिंक्स और फिर उस बेस पे यू गो फॉर दिलेक्शन प्रोसेस एंड वट वॉज सिलेक्शन प्रोसेस इतनी बार मैं आपको अगर ये डिस्कस करूंगा तो फिर तो आपको बिल्कुल क्लियर तोते की तरह बोलना शुरू कर देना चाहिए So what is the selection process basically when you are picking the right person out of those that pool you have created then in the selection process what came initial screening where we have separated those which were not fulfilling the requirements Or then next stage was pre-employment testing and then, I have told you that डिपेंड करता है और मोस्टली इट इज फॉर दिनिशियल स्टार्ट लेवल ऑफ दसी भी फील्ड में अगर मिडिल और हाई लेवल मैनेजमेंट में चले जाए तो वहां पर शायद की जरूरत नहीं पड़ती और मुख्यलिफ्ट टेस्ट हो सकते हैं रिटर्न टेस्ट होते हैं और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज वॉज द इंटरव्यू इंटरव्यू में अमूमन यह देखा जाता है कि वो बहुत सारी चीजें जो आप शायद उसके बायोडाटा से सी बी एस ई या टेस्ट से नहीं है, ले सके इंटरव्यू कैन बी स्पोर्टिंग थिंग जो आपको हेल्प करेगा तो पिक द राइट पर्सन और हर स्टेज पे देखें आप स्क्रीनिंग होती जाती है छह सात सौ रह गए जब उनकी टेस्टिंग हुई टेस्ट के बाद आपने एक लिमिट क्रॉस कर दी कि इससे ऊपर मार्क्स वालों को हमने इंटरव्यू के लिए कॉल करना यू माइट है इंटरव्यू हो गए तो इंटरव्यू के बाद आप पांच दस लोगों को शार्ट करके बेस्ट वन को ऊपर ले आएंगे और जब इंटरव्यू में भी हमने ये देखा कि मुख्तलिफ किस्म के इंटरव्यू होते हैं स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर्ड या मेक्स एंड वन पर्सन का एक बोर्ड भी हो सकता है आर कपल ऑफ पीपल सिटिंग टूगेदर डिफरेंट एक्सपर्टीज वेरी फ्रॉम ऑर्गनाइजन टू ऑर्गेशन एंड रिक्वायरमेंट्स और फिर उसके बाद जब इंटरव्यू हो गया देन यू आई गिव द बिफोर यू आर गिविंग दम द ऑफर यू हैव टू चेक देयर बैकग्राउंड जो उन्होंने रेफरेंस कोर्ट किए थे जो उन्होंने बताया था कि हमने ये जॉब्स की हैं, यू गो बैक एंड वेरीफाई थिंग सो दैट यू शुड नॉट हैव अ पर्सन विद यू, क्योंकि गलत सिलेक्शन दोनों के लिए नुकसानदेह नॉट ओनली दिस बिकॉज अल्टीमेटली सिस्टम विल के कि आउट अगर गलत सिलेक्शन हो गई बट वट विल हैपन आपकी एक्सपेंसिस बढ़ जाएंगे आपकी वो जो वेस्टेज ऑफ टाइम है वो बढ़ जाएगा एंड अपॉर्चुनिटी विल बी देयर आल्सो एंड व्हेन यू आर क्लियर अबाउट द बैकग्राउंड चेक्स देन यू विल गिव देम दंडीशन ऑफर कंडीशन सब्जेक्ट टू द फिजिकल एग्जाम्स द मेडिकल टेस्ट और जब ये भी हो जाता है देन यू गिव दम ऑफर और उसके बाद उसकी प्लेसमेंट होती है और यहां पर हमने एक चीज डिस्कस की थी कि समाइम मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विद ए प्रोबेशन पीरियड वो प्रोबेशन पीरियड क्या होता है इट कैन बी सिक्स मंथ वन ईयर टू ईयर डिपेंडिंग ऑन फ्रॉम टूर्गनाइजेशन ड्यूरिंग इन सिलेक्टिंग जस्ट सेंड यू होम विदाउट गिविंग एनी रीजन और जो लीगल कुछ रिक्वायरमेंट होती है लीगल जो आपकी राइट होती है वो उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक आप प्रोबेशन पीरियड को सक्सेसफुलिस कंप्लीट नहीं करते प्रोबेशन पीरियड के बाद then you can enjoy or you can work as a regular basis or with all those rule regulation can apply on you which those organizations have selection to agla step placement now where you will be doing your job that will be your placement agar organization they might have different setups one can be in one city another can be another city so they can pick you and they can send you an ATP place. Similarly, they have different departments in within the organization. और जो आपका department होगा आपको वहाँ पे भेजे जाएगा कि आप यहाँ पे place हैं आपने यहाँ पे काम करना है that is the placement. और during that they can also do the जिसे कहते हैं orientation. जैसे मैंने आपसे कहा था कि orientation is इस, हम इसको training में भी लेते हैं कि this training start with the orientation training. but this is also your socialization process. orientation is kathayam. teaching the corporate culture and philosophy about how to do business. because the people are coming from different backgrounds, different areas. so as they join you, when you start placing them, before they should start actual work, they should be taught the basic philosophies of the organization. orientation, yeah, socialization process. ये इसलिए भी जरूरी है कि इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी वेन यू आर ज्वाइनिंग सम न्यू ग्रुप यू आर रिस्ट्रिक्टेड आप थोड़े से रिजर्व से रहते हैं लेकिन आजकल तो ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो सेटअप है वो दे गो टीम वर्क वे ऑलवेज वांट दैट इट शुड बी लाइक ए टीम और अगर टीम थोड़ी सी आपस में रिजर्व हो तो वो टीम मेंबर अच्छे को सकते ना और वैसे भी नई जगह में थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है आपको सेट होने में एक्लेमेटाइज होने में और अगर खुद सेट होंगे बाई हेट एंड ट्राई मैथड तो यू माइट डू मिस्टेक्स इट कैन बी डेंजरस फॉर यू फॉर ऑर्गेनाइजेशन आर इवन इक्विपमेंट कैन बी लॉस्ट उसका नुकसान भी हो सकता है तो उस चीज के लिए गो विद दी ओरिएंटेशन प्रोग्राम द बेसिक सोशलाइजेशन एक्टिविटीज वेन दे आर हायरिंग न्यू पीपल क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा हिट एंड ट्राई से लर्निंग होगी तो दैट कैन बी डेंजरस तो क्यों ना वो चंद दिनों की इटमे बी वन डे थ्री डेज, वन वीक डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ जॉब आपकी सोशलाइजेशन प्रोसेस शुरू किया जाता है जिसमें न सिर्फ आपको लोगों से फेमिलइज किया जाता है उस सिस्टम से किया जाता है बल्कि आपको अपने बेसिक जो पॉलिसी डिशीजताए जाते हैं जो आपके बेनिफिट है वो भी आपको बताए जाते हैं तो दैट इज दी

नेक्स्ट लेक्चर में जब हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का पार्ट देखेंगे उसमें थोड़ा सा इसको मैं फिर दोबारा इस पार्ट को डिस्कस करूंगा बिकॉज दैट इज आल्सो कंसिडर्ड पार्ट ऑफ दैट आर मैनेजमेंट जो एच डेवलपमेंट पार्ट है उसमें समझा जाता है इसको ओरिएंटेशन so, दी जाती है जैसे आपसे कहा कि अबाउट ऑर्गेनाइजेशन अबाउट द सिस्टम अबाउट द वर्किंग कंडीशन अबाउट द योर कोलिग्स अबाउट योर बॉस सब जो मेन लोग जो मैटर करते हैं उनको आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है देट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यू शुड स्टार्ट वर्किंग और क्या सोशलाइजन कैसे हो सकती है वेलकम पार्टी भी दी जाती है जस्ट टू बूस्ट अप यूर मोर आल पीपल केयर रिकॉगनाइजन केयर अबाउट यू सो वेलकम पार्टी इज ए वेरी गुड इफेक्टिव वे ऑफ सोशलाइजेशन बिकॉज एक तो आप फील एलिटेड किसी दे हैव गिवन मी रिस्पेक्ट दे हैव

it might be that the organization is very large, or they have very specified different kind of activities, specialized. so it will be difficult to ask everybody to come and for uh, this welcome party. Then time, so, many people understand the system, so they can go for the job rotation. a okay, few days you can spend in one setup, and then they will send you to another uh, group of people, spend some time with them, and learn those things.

किसी के साथ आपको अटैच कर दिया जाता है इन ए वे दिस इज ऑफकोर्स दिस इज ए ट्रेनिंग पार्ट बट स्टिल फॉर द न्यू कमर दे आल्सो अरेन्ज आंजॉब ट्रेनिंग है प्रैक्टिकल वो उनके लिए तो यह ज्यादा जरूरी हो जाता है आंजॉब ट्रेनिंग और आंजॉब ट्रेनिंग में क्या किया जाता है कि आपको अटैच कर दिया जाता है किसी सीनियर के साथ हीन बी योर मेंटर नाउ उनके साथ रह के आप काम सीखते हो वो ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग पीरियड होता है कि आप ये सारी चीजों को फेमिलेमिलइज हो जाए इनसे क्योंकि जो बुक्स में पढ़ा होता है जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन से आपने सीखा होता है जो आपने कुछ लर्निंग करके सीखा होता है वो तो अपनी जगह ठीक है बट इन दिस इन्वायरमेंट इन दिस न्यू जॉब वे यू आर स्टार्टिंग योर कैरियर अग्निशन वॉन्ट टू मेक श्योर कि आप उसको बहुत अच्छे तरीके से राइट right वे से समझ सकें ताकि ना सिर्फ आपके लिए फायदा हो बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी आप एक इफेक्टिव और यूजफुल वर्कर का काम कर सकें और उसके लिए फिर जिसके साथ आप अटैच होते हैं ही आर शी इज रिस्पांसिबल दैट एट विल एवेल्यूएट यू एंड सेंड द रिपोर्ट बैक टू एचआर आर डिपार्टमेंट कि हमारे ख्याल में नाउ ही रेडी नाउ टू स्टार्ट इनडिपेंडेंट वर्क फॉर वट जॉब दे है तो इस तरह आप ये सारा प्लेसमेंट के जब हम प्लेसमेंट की बात करते हैं तो साथ साथ ये पैरल एक्टिविटीज चल रही होती हैं, जिनको हम सोशलाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं उसी में ओरिएंटेशन भी आ जाती है उसी में वेलकम पार्टी भी आ जाती है उसी में जॉब रोटेशन भी आ जाती है उसी में आंजाब ट्रेनिंग भी आ जाती है सो वट एल्स एंड अगेन डिपेंडिंग उसमें अगर कोई सेफ्टी प्रोसीजर है बाकी चीजें वो भी आपको बता दी जाती हैं ताकि यू शुड बी ऑन योर पाथ और काम शुरू कर दें सो दैट वॉज अबाउट सोशलाइजेशन प्रोसेस जिसको हम ओरिएंटेशन ट्रेनिंग को भी इसमें आता है और बाकी चीजें भी आती हैं तो आई थिंक एनफर टूडे आई होप कि वी शुड नाउ नो बडी शुड हैव एन एक्सक्यूज कि ये चीज समझ नहीं आई ये हमने इतना ज्यादा पढ़ लिया था मैंने इसको देखे कि आप इस सारे टॉपिक हो जिसके ऊपर हमने आई थिंक सिक्स टू सेवन लेक्चर्स अर्थ मोर देन दैट हमने इस पर लगाए थे आपको एक लेक्चर के अंदर ये सारी चीजें लगा के आ, बातों बातों में हमने एक दूसरे को समझाने की कोशिश की है और आई एम श्योर कि अगर आपने इसको पहले पढ़ा होता होगा तो आप इस वक्त इसको बड़े कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे लेकिन इन अदर केस यस इट इज हार्ड थिंग तो मेहनत जरूरी है लेट्स क्विकली गो थ्रू अगेन कि आज हमने क्या देखा जैसे मैंने शुरू में कहा we have started our review part the next three lectures one today and two more to go will complete this hr function process which comprises of five components staffing human resource development compensation and benefits safety and health and implied relationship implied labor relationship the five component five basic basic use case uh, the basic functions उनको हमने स्टार्ट किया वी फिनिश्ड द स्टाफिंग पार्ट और स्टाफिंग में क्या हमने देखा रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट स्टार्टिंग विद द प्लानिंग रीच टू रिक्रूटमेंट एंड स्टार्टेड द विदरिंग प्रोसेस रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड सोशलाइजेशन फिर सिलेक्शन को फिर सोशलाइजेशन को हमने देखा और इस तरह वी हैव कंप्लीटेड अवर स्टाफिंग पार्ट वट शुड बी जैसे मैंने आपसे कहा कि दिस वॉज द स्टाफिंग पार्ट विच इज रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट नाउ वट शुड बी द नेक्स्ट टॉपिक लॉजिकली वो जो स्टाफिंग से अगला स्टेप है जो बेसिक पांच फंक्शन बताए उन्हीं को हमने आगे बढ़ना है नेक्स्ट टॉपिक इज ह्यूमन रिसोर्स डेवेलपमेंट जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होगा But again, reinforce your learning. Let's do an next exercise. Up after today's lecture, today, sit and do this staffing. Wala, process complete in a way. You just assume that you are the owner, you are the employer of any organization. Whatever business you are thinking, you might want to open an education institution. You want want to have your own production unit. You want to have your own industry, or you want to have the service industry. Whatever. तो जितने स्टेप्स हमने पढ़े हैं उनको जरा कंसीव करके जरा प्लान करेंगे क्या करेंगे आप हाउ यू फॉर द प्लानिंग हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड हाउ मेनी पीपल डू यू नीड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब जैसे मैंने आपसे कहा कि लेट्स सी इफ आई एम ए टीचर सो आई विल थिंक ऑफ हैविंग माई सेटअप आई गो फॉर एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अब मैंने जब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाना है उसके लिए मुझे किस तरह के लोग चाहिए लेट सी आई इफ आई हैव ऑलरेडी दी माई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इफ आई एम रनिंग माई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तो आई हैव टू प्लान फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर फॉर द नेक्स्ट ईयर सो वट आई एल डू आई हैव टू सी हैट इज द डिमांड वट इज द प्रेजेंट सिचुएशन एंड वॉट वी आर एक्सपेक्टिंग नेक्स्ट सेमेस्टर न्यू क्लासेज और एनीथिंग एल्स एंड हाउ मेनी फैकल्टी मेंबर्स अदर स्टाफ मेंबर्स विल बी रिक्वायरिंग उसके लिए वही जॉब एनालिसिस वगैरह सारे स्टेप से जाइए सारे प्रोसेस से गुजरिए एंड डिसाइड हाउ यू आर गोइंग टू रिक्रूट कौन सा मीडिया यूज करेंगे कौन सा टूल यूज करेंगे ऐड देंगे और इसमें फिर लेट्स जस्ट टेक वन और टू जॉब्स एक या दो कोई भी पोजिशन की जॉब ले लें उसके बारे में जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन बनाएंगे आप खुद आपकी बुक के अंदर भी एग्जाम्पल दिए हुए

और फिर सोचिए कि अब आपके पास जब एप्लीकेशन होगी तो फिर आएंगी तो फिर क्या करेंगे क्या क्राइटेरिया बनाएंगे किस तरह आपने क्या क्या मार्क्स रखे होंगे आपने कुछ पॉइंट रखे होंगे किस तरह आप उनमें से इनिशियल स्क्रीनिंग करेंगे एंड जस्ट प्रिटेंड दैट यू हैव रिसीव दोज लॉट ऑफ एप्लीकेशन फॉर यूर एप्लीकेट पूल यू विल डू नेक्स्ट हाउ यू विल गो फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस उसके सोचिए उसके कुछ पॉइंट लिख लें अपने पास लेट्स कि नहीं मुझे टीचर ले रहे हैं लेट्स फॉर टीचर आई डोंट वांट टू गो फॉर इनिशियल टेस्टिंग आई कैन डायरेक्टली गो टू इंटरव्यूज वो जो हमने स्टेप्स पढ़े थे सिलेक्शन के उसमें से पिक कीजिए कितने स्टेप्स आप फॉलो करना चाहते हैं एंड देन मूव टू नेक्स्ट फेज कि अच्छा आपने इंटरव्यू में करना इंटरव्यू कैसे कंडक्ट करवाएंगे हु शुड बी अन योर बोर्ड इस सारे प्रोसेस को हाइपोथेटिकली बना के जरा उसकी कुछ वर्कशीट बना लीजिए को टाइप कर लीजिए लिख लीजिए एंड देन गो बैक एंड लिसन दिस लेक्चर रीड द बुक एंड देन गो बैक अगेन टू योर वट एवर यू हैव प्रोड्यूस एंड सी वेर इज अ डिफरेंस दिस विल बी गुड एक्सरसाइज और आपकी लर्निंग इंप्रूव होगी आई बिलीव सो इफ यू डू एज ए सेट देन आई कैन गारंटी यू विल नेवर फॉर गेट अबाउट दिस एच आर पार्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सो आई स्टॉप इट हेयर बट रिमेंबर नेक्स्ट टाइम वी हैव टू गो थ्रू द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पार्ट दैट इज देंग पार्ट और वो सारे चैप्टर आप देख के आए सारे लेक्चर सुन के आए और देखें कि अगर जहन में कुछ चीज़ मिसिंग है अभी भी कुछ दिशगनी है तो वो कहाँ पर आए ताकि वो उस रिव्यू में ही निकल जाए इस उम्मीद के साथ कि आप वही करेंगे जैसे मैंने आपसे कहा है टेक केयर ऑफ योर सेल्फ अल्लाह हाफि अलकूम